दिव्य महिमा का गान शिव पुराण के अनुसार होगा। तो कतिपय वैष्णवों के भीतर जो दुर्भाग्य से भेद बुद्धि बनी भई है उसका भी नाश होगा। कतिपय शिव उपासकों में नारायण के प्रति भेद बुद्धि बनी हुई है उसका भी नाश होगा और बड़ा सुख मिलेगा। भाई देखो, हमारे ऊपर तो भगवान शिव की कृपा हमारे श्री रामकृष्ण नारायण से ज्यादा है। शिवजी की अपार कृपा है, अनंत कृपा है। पता नहीं क्या कोई जन्मांतरीय संस्कार ऐसा कि अत्यंत बाल्यकाल से स्वाभाविक सहज प्रीति भगवान शिव के चरणों में, कहीं सुनने गए हो, किसी ने प्रेरणा दिया, ऐसा भी नहीं, स्वाभाविक। बहुत छोटी अवस्था में भी नदी गए और नदी से एक शिवलिंग के आकार की शिला लेके आए। अब हमारे ठाकुर जी को सब उसमें तो विराजमान करने नहीं देंगे, तो तुलसी जी में हम उनको विराजमान करके रखते हैं। और बिल्व पत्र, तुलसी, दूर्वा, दूध सब उनको अर्पित करते हैं। खेल खेल में भी उन्हीं की पूजा करते हैं, ध्यान में भी, स्वप्न में भी उन्हीं की कृपा विशेष होती है। और जब अपने मन से तिलक लगाते, ऐसे तो चंदन लगाते, तो त्रिपुंड ही लगाते, किसी ने बताया नहीं था, स्वाभाविक। और इस शरीर के पिताजी त्रिपुंड के ऊपर ऊर्ध्वपुंड लगा देते, वो भी ठीक। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार लगभग 7 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी, 8वीं में प्रवेश था और उसी समय दास का यज्ञोपवीत संस्कार काशी के पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी मंडलीकर जी महाराज परम वैदिक थे। मूल में तो महाराष्ट्र के विप्र देवता थे उनके पूर्वज, पर काशी के बहुत अच्छे वैदिकों में उनका स्थान था। उनके अनुग्रह से जिस आयु में विप्र बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए, भगवत कृपा से, संयोग से, उसी आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है।